कर दीजिए माता, अपनी कृपा दृष्टि से वंचित कर मुझे, मेरा साथ मत त्यागिए माता। क्षमा कर दूं तुम्हें, उसके योग्य कहां हो तुम रावण? आपकी कृपा दृष्टि पाकर हम कृतार्थ हुए, आपको कोटि कोटि नमन माता। कल्याण हो। रावण को इतना कठोर दंड दिया है माता ने, कदाचित इस घटना से सीख लेकर रावण सुधर जाए। क्षमा करें प्रभु, परंतु अनेकों अवसर पाकर भी जो ना सुधरा, वो अब भी कोई सीख लेकर अपना आचरण सुधारेगा? मुझे तो इसकी लेश मात्र भी आशा नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, भ्राता रावण अपनी दुर्दशा का विचार नहीं करेंगे। अभी तो अपने कुत्सित मस्तिष्क में एक ही विचार जड़ बैठा चुके होंगे कि माता की शक्ति का साथ लेकर आज आपको पराजित करने के अत्यंत निकट थे। लंकेश रावण की इतनी दुर्गति, कितना भयावह हृदय और कितना हृदय विदारक दृश्य है ये। लंकेश, लंकेश, मेरी सहायता स्वीकार करो। लंकेश, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। माता तारेश्वरी की शक्ति से पराजित हुआ हूं मैं, अपना सांस नहीं खोया है मैंने, अभी भी स्वयं खड़ा हो सकता हूं मैं। ये तो वही शमशान भूमि है जहां मैंने माता की निश्चित पूजा कर उनको अपना साथ देने के लिए विवश किया था। उस वनवासी का अंत करने के लिए मुझे माता की सहायता की आवश्यकता है। माता, छोड़कर आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं माता। महाराज, पुनः मैं पूजा कर माता को अपना साथ देने के लिए विवश कर दूंगा। विकट निषिद्ध पूजा करूंगा मैं। माता, आपको आना ही होगा। इस बार बिना किसी बंधन के माता को अपना साथ देने के लिए विवश कर देगा ये रावण। सवा कोटि जाप करूंगा मैं माता के अवैधिक मंत्रों का। जिससे वो सदैव मेरा साथ देने के लिए
बाध्य हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु लंकेश, जिन अवैदिक मंत्रों का स्मरण करना अत्यंत कठिन है, उनका सवा कोटि जाप करना तो संभव है महाराज। आज तक उसे कोई पूर्ण नहीं कर सका महाराज। असंभव को संभव करेगा यह रावण। महाराज मत, 3 दिवस में करूंगा ये जाप पूर्ण में। परंतु महाराज, यदि ये पाठ मध्य में रुका, खंडित हुआ या त्रुटिपूर्ण हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा महाराज, घोर अनर्थ हो जाएगा। एक बार पुनर्विचार कर लीजिए महाराज। लंके रावण अपने निर्णय पर अडिग है। अडिग है रावण। परंतु महाराज, इतने बड़े अवैदिक मंत्र का सवा कोटि जाप 3 दिवस में एकाकी व्यक्ति के लिए कैसे संभव है महाराज, कैसे संभव है? की नहीं है रावण, दशानन रावण के 10 शिर सम्मिलित रूप से करेंगे यह पूजा। यदि रावण ने पुनः माता की निषिद्ध पूजा करने की चेष्टा की तो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी प्रभु। भ्राता रावण इस समय उस नरभक्षी सिंह के समान हो गए हैं, जिसके मुख में रक्त का स्वाद लग जाए तो फिर उसे हटाना संभव है। वो अवश्य पुनः माता को विवश करने का प्रयास करेंगे। प्रभु आप तो सर्वज्ञाता हैं, परंतु मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं प्रभु कि ई की मात्रा शक्ति का स्वरूप है। शिव शब्द भी ई की मात्रा के बिना अपूर्ण है प्रभु, वो भी ई मात्रा के बिना शव हो जाता है प्रभु। इसलिए इसके पूर्व की रावण अपनी निषिद्ध पूजा से माता शक्ति के रौद्र रूप को विवश करे, आप अपनी पूजा से उनके सौम्य और शक्ति के रूप को प्रसन्न कर लीजिए प्रभु। परंतु हनुमान, देवी को प्रसन्न करने हेतु की जाने वाली पूजा का ये उचित मुहूर्त नहीं है। ये पूजा मात्र वसंत ऋतु अर्थात चैत्र मास के नवरात्रों में ही की जाती है। शरद ऋतु अश्विन मास में माता की ये पूजा असमय पूजा होगी। और मैं असमय पूजा करने का अपराध भला कैसे कर सकता हूं हनुमान? लंकेश संभव है, परंतु आपकी पुनः निषिद्ध पूजा का समाचार पाकर राम सेना शांत नहीं बैठेगी महाराज। जिस प्रकार उन्होंने युवराज मेघनाथ का यज्ञ भंग किया, कहीं उसी प्रकार आपका भी। उसका अवसर ही नहीं दूंगा मैं उन्हें। एक विशेष कीलक द्वारा इस शमशान भूमि को सुरक्षित कर दूंगा मैं एक ऐसा उत्कीलन करूंगा जिसकी परिधि में मात्र एक ब्राह्मण ही प्रवेश कर सकेगा, वो वनवासी और उसका अनुज। वो तो क्षत्रिय है और वो दंडी, वो एक तुच्छ वानर है। इसलिए अब वो मेरी पूजा में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। अवश्य ही मैं पुनः अपनी निषिद्ध पूजा में सफल हो जाऊंगा। सफल हो जाऊंगा मैं। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण प्रभु, प्रतीत होता ये दुराचारी रावण तो पुनः माता को विवश कर देगा। प्रभु यदि रावण माता से बंधन रहित सहयोग प्राप्त करने में सफल हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मामा श्री, कोई तो विकल्प अवश्य होगा जिससे हम माता की पूजा संपन्न कर सकते हैं।
विकल्प है। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण विजयी भव, तुम्हारा कथन उचित है हनुमान, विकल्प है। अकाल बोधन। अकाल बोधन अर्थात असमय पूजा? हाँ, असमय पूजा, जिसमें कुछ भी अनुचित नहीं, क्योंकि एक बार पूर्व में भी राजा सुरथ ने विधि का खंडन कर कल्पखंड आरंभ किया था और आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी होने के कारण षष्ठी कल्प का स्मरण कर आप आज से ही पूजा आरंभ कर सकते हैं, जो आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होगी। धन्यवाद ब्रह्मदेव, आपके सुझाए मार्ग पर चल मैं विधि पूर्वक अकाल बोधन से माता को प्रसन्न करने की पूर्ण चेष्टा करूंगा। प्रणाम प्रभु। विजयी भव। रावण पर विजय के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हम प्रभु ब्रह्मदेव के बताए हुए विधान के अनुसार आज से ही माता का पूजन प्रारंभ करेंगे। अम्बे माता की जय। अम्बे माता की जय। जगदम्बे माता की जय। रक्तांबरा रक्षासना हे भूषणा, एक वक्ता वेद संख्यते सभासे माता, श्वेत नवि परिषदा रक्तांबरा रक्षासना हे भूषणा। हे कालदेव, मेरे द्वारा माता को प्रसन्न की जाने वाली इस अकाल बोधन पूजा हेतु कृपया मुझे आपकी अनुमति प्रदान करें। हनुमान, माता के भजन का समय हो गया है। तुम सभी शास्त्रों में संपन्न हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि आज माता का महिमा भजन तुम ही गाओ। प्रभु मैं? हाँ हनुमान, 64 कलाओं में तुम्हें महारत है। हे माता, यदि मेरे भजन से आपको तनिक भी प्रसन्नता का आभास हुआ हो तो आज नवमी की पूजा में मेरे प्रभु श्री राम को सफलता प्रदान कीजिए। माता माता, इन्हें अपना कृपा पात्र बनाइए। अभी नहीं ना, एक परीक्षा लेना चाहती हूँ मैं। देवी, श्री राम की परीक्षा लेंगी आप? हाँ नाथ, पहले आपके अंश हनुमान की, और यदि वो सफल हुए तो नारायण अवतार श्री राम की परीक्षा भी लूंगी मैं। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ईश्वर अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, किंतु ईश्वर का आशीर्वाद भक्त के कर्मों पर निर्भर करता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।